So welcome everyone. In this video we will see a shortcut to questions having power 6 only. So far we have learned how to evaluate the questions having power 1, 2, 3, 4, 5 and 8. First let's have a look at the short tricks that we have learned in the last two videos. So I suggest you to watch these two videos completely, then only you can connect easily with everything that I will explain here in this video. The link of these two videos is provided in the description box. Coming back to our questions, let's see when we will get this power 6. Agar hum x square aur iska cube kar dein, then these two powers will get multiplied. This will be x. Similarly, agar hum ye value find kar lein, say this is equal to a, then power 6 find karne ke liye is equation ka aap cube kar dijiye dono side, right? और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर दीजिए. यहां पर a x स्क्वायर है और b 1 ओवर x स्क्वायर है. सो दिस विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इनटू b एंड a प्लस b, राइट? एंड दिस इज a क्यूब. नाउ दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. दिस इज 2 इनटू 3 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, राइट? एंड दिस इज a क्यूब. नाउ एक्स रेस्ट बट ए क्यूब माइनस 3a. तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था कि हमें पावर 6 किस तरह से मिल सकती है. नाउ वी विल यूज अ शॉर्टकट टू इवेल्युएट दीज क्वेश्चन, राइट? तो यहां सबसे पहले देखिए, ये इक्वेशन गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं बाय अ शॉर्ट ट्रिक, दैट विल बी 3 स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2 करेंगे एंड दैट विल बी 7, राइट? अब एक्स रेस्ट टू द पावर 6 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्यूब कर देना है. तो लेकिन हमारा शॉर्टकट क्या है, तो यहां पर वैल्यू आई, इसका आप क्यूब करिए, राइट? यहां पर प्लस है तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ 7 एंड दिस विल बी 349. सॉरी, दिस इज 343, सो दिस विल बी 322. वन थिंग मोर, यहां पर हम टेक्निक में जो साइंस ले रहे हैं वो हम गिवन इक्वेशन को देखकर ले रहे हैं, राइट? ये ऑब्जर्व कीजिए कि गिवन इक्वेशन में प्लस साइन था. ये भी हो सकता है कि यहां पर आपको गिवन हो माइनस, राइट? तब क्या होगा, टेक्निक आपकी सेम होगी, सिंपल आपका ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे. ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया है अपनी लास्ट टू वीडियोस में कि हम यहाँ पर साइन किस तरह से लेते हैं गिवन इक्वेशन के साइन को देख के. देखिए, प्लस की जगह अगर माइनस है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड दिस विल बी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ऐसे हम इसे ब्रेक करेंगे, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, राइट? दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट टू वीडियोज. तो x प्लस 1 ओवर x हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3, 3 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज 3, सो दिस इज 3 रूट 13, राइट? ये फाइंड करने के लिए सिंपली इस इक्वेशन का आप क्यूब कर दीजिए, दिस वैल्यू का क्यूब, राइट? यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 रूट 13. सिंपली सिंप्लीफाई करिए, दैट विल बी 27 इंटू 13 रूट 13 प्लस 9 रूट 13 एंड दिस विल बी इक्वल टू 351 रूट 13 प्लस 9 रूट 13 एंड दिस इज 360 रूट 13. बट यहां पर गिवन इक्वेशन में माइनस साइन था, अगर x प्लस 1 ओवर x हो तब हम क्या करेंगे, तब टेक्निक सेम रहेगी. इसी तरह से आप पहले ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे, बट साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सिंपली टेक्निक बता दी है कि अगर यहाँ पर x रेस टू द पावर 6 प्लस 1 ओवर x रेस टू द पावर 6 हो तब क्या करेंगे, माइनस हो तब क्या करेंगे, लेकिन साइन क्या यूज होने हैं बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है अपनी लास्ट टू वीडियोज में. वॉच दोज टू वीडियोज कम्प्लीटली, देन ओनली यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद एवरीथिंग दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care, stay safe.